subscribe to our channel and tap the bell notification icon to never miss a tech video from Geeky Show. दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक मैप के बारे में बताने वाला हूं जो कि PUBG में बहुत ही जल्दी रिलीज होने वाला है, बीटा वर्जन में चल रहा है, जिसका नाम है लिविक मैप। एरंगल 2.0 तो चल ही रहा है, लेकिन ये जो लिविक मैप है ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एरंगल 2.0 से। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बन रहिएगा ताकि आपको लिविक मैप में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, कौन कौन सी नई नई गन्स इसमें इंट्रोड्यूस होने वाली हैं, कौन कौन से नए नए लोकेशन इंट्रोड्यूस होने वाले हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी दे सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हैं किशोर चैनल को। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मैप के ड्यूरेशन की। ये मैप जो होगा वो 15 मिनट्स का होगा, यानी इस गेम को आप 15 मिनट तक खेल पाएंगे। और ये ज़्यादातर फोकस किया गया है उन प्लेयर्स के लिए जो जल्दी जल्दी गेम को कंप्लीट करना चाहते हैं। होता है ना कि आप भी कभी कभी चाहते हो कि यार आधे घंटे का गेम ना होता, काश ये गेम 15 मिनट का होता तो मैं थोड़ा खेल लेता। तो आपको एक नया ऑप्शन मिलेगा 15 मिनट्स का गेम खेलने के लिए। इसमें केवल 40 प्लेयर्स खेल पाएंगे। अभी जो बीटा वर्जन में चल रहा है इसमें 50 प्लेयर्स खेल रहे हैं, लेकिन जब ये ऑफिशियली रिलीज होगा तो केवल 40 प्लेयर्स का अलाउ होगा, यानी 10 टीमें इसमें आराम से खेल पाएंगी। अगर बात की जाए इस मैप के साइज़ की तो 2x2 किलोमीटर्स का मैप होने वाला है। इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि बहुत छोटा सा मैप है। 15 मिनट के अंदर गेम खत्म हो जाएगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम होगा क्योंकि क्लोज फाइट्स इसमें देखने को ज़्यादा मिलेंगी और क्लोज फाइट ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती हैं मुझे लगती हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन बताइएगा कि आपको क्लोज फाइट या स्नाइपर फाइट कौन सी ज़्यादा बेटर लगती है। अब बात कर लेते हैं इसमें लोकेशंस के बारे में। 4-5 तरह की इसमें लोकेशंस इंक्लूड की गई हैं। देखिए जो पीक्स होंगे, जो माउंटेन पीक्स होंगे वो बर्फ़ से ढके हुए होंगे, यानी स्नो फ्लेक से ढके हुए माउंटेन पीक्स देखने को मिलेंगे। वोल्केनो इसमें देखने को मिलेगा, वाटरफॉल इसमें देखने को मिलेगा, इसमें आपको इस हॉट स्प्रिंग्स देखने को मिलेंगे। तो ये अलग अलग तरीके के लोकेशंस देखने को मिलेंगे। और एक और लोकेशन मिलेगा आपको, सैंडी डेजर्ट भी थोड़ा बहुत देखने को इसमें आपको मिलेगा। तो ये 4-5 लोकेशंस आपको देखने को मिलेंगे इस पर्टिकुलर मैप की अगर बात करें तो। अगर बात करें इसमें मशीन गन इंक्लूड की गई है, P90 की सब मशीन गन। ये आपको TDM के मैचेस में मिलती है P90 की सब मशीन गन, लेकिन अब इसको इंट्रोड्यूस किया गया है लिविक में। और एक और गन इंट्रोड्यूस किया जो है MK12। ये MK12 MK14 की तरह ही स्नाइपर, बस स्नाइपर की तरह काम करती है। तो MK12 को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो दो तरह की गन्स इसमें आपको मिलेंगी, P90 की सब मशीन गन, तो एक और मशीन गन का आपको ऑप्शन मिल जाता है, और MK12 बस स्नाइपर। तो MK14 की तरह ये वर्क करेगी, और जानते ही MK14 कितनी खतरनाक गन है, तो वैसे ही MK12 भी खतरनाक होने वाली है। एक और अपडेट में बताया जा रहा है लिविक मैप में एक और चीज़ होने वाली है कि जो बैरल्स होंगे एक्सटेंडेड बैरल्स आपको लगभग हर गन में देखने को मिलेंगे, ताकि आप लॉन्ग रेंज तक भी फाइट कर सको, ताकि जो लास्ट जो सर्कल होगा उसमें फाइट जो हो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो, ज़्यादा बुलेट्स लग सकें सभी गन्स में। इस वजह से एक्सटेंडेड बैरल्स भी दिए जाएंगे। तो कुल मिला जुला करके काफ़ी इंटरेस्टिंग ये लिविक मैप होने वाला है और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने सोचा कि मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूँ, इस लिविक मैप के बारे में। मुझे आप अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि ये लिविक मैप आप खेलोगे और कितना एक्साइटेड हो इस लिविक मैप के लिए, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों मैं आपकी राय जरूर जानना चाहूँगा इस मैप के बारे में। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये जो वाटरफॉल वाला सिचुएशन है ना, तो ये वाटरफॉल वाला सिचुएशन में एक बढ़िया सिचुएशन, मतलब जो पबजी ऑफिशियल ने बोला है कि एक सरप्राइज टाइप का आप दे सकते हो कि ऊपर से आप बोट से वाटरफॉल से ऐसे उड़ते हुए आओ और नीचे एनिमी है और वहाँ पे उड़ते हुए मतलब एकदम फाइट होगी, मतलब एकदम ज़बरदस्त वाला माहौल होगा, एकदम मस्त वाली फाइट आप कर सकते हो वाटरफॉल से, यानी वाटरफॉल से ऐसे आप उड़े और नीचे एनिमी है और हवा में ही आप एनिमी को मार रहे हो, तो कुछ इस तरीके का सिचुएशन भी आपको देखने को मिलेगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये मैप मुझे लग रहा है, मैं तो खेलूंगा, आप मुझे अपना ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी ना, लाइक करिएगा, यहाँ तक देख लियो तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पे अगर आप नए हो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आपको ऐसी हेल्पफुल वीडियो सबसे पहले मिलते रहें। धन्यवाद।